परम सत्कार जो अज के समागम शमूलीयत कर रहे सूझवान सज्जनों अदब सत्कार के नाल फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी तुहानू कोई जागरूक करना जां कोई ट्रेनिंग देनी आए, असी घुनसा पिंड वाले तुहानू सजदा करना आए हाँ। तुहाडी पंचायत के जिहड़े बंदे समाज सेवी काम के अगे हो के अगर तो काबू पा रहे हैं उन्होंने सन्मान करना है। सो जी चेतना मुहिम यदा मतलब की आ कि जदों जी हम सा कणक की फसल आ छे महीने किसान उदी सेवा करता दिन रात सेवा करता तो वेद उत्ते साड़िया आसा तो सुपने होंगे ने किसान ने कि जदों साड़ी कणक पकूगी तो मैं आ अपना कार्ज नेपरे चढ़ूँगा तो मैं जा अपना आ दूजा कार्ज नेपरे चढ़ूँगा। पर जदों कदे अचानक किसी भी कारण कणक की खड़ी फसल में अग लग जाती है तो फिर जी वो अग की अग लगन कारण कणक की सुआह बन जाती है। वो कली कणक की सुआह नहीं होंगी, वो नाल किसान के सुपन की भी सुआह होंगी। जदों जिहड़े किसान की कणक नूं अग लगन ना कोई यही घटना वापर जाती है कि उहदे दिल ते बीतदी आ, इह तां उह खुद ही महसूस कर सकदा। असी उहदा दर्द इन्ना किन्ना दर्द ज़्यादा हुंदा कि असी महसूस भी नहीं कर सकते। सो इसलिए असी सारिआं ने रल के तुसी और असी इकट्ठे हो के ये उपराला कीता कि असी अग लगन तों किहड़ियां सावधानियां वरतीए कि किसी भी किसान की कणक नूं जां टांगर नूं अग ही ना लगे। अगर जे लग जाए तो वो असी की प्रबंध करना, ये थोड़िया थोड़िया असी सावधानियां वरत के इकट्ठे हो के सारिआं ने। सो तुसी बधाई दे पात्रों जिन्होंने अग ते काबू पाउण दे लई दो साल पहला सोच लिया, चाहे हुण काफ़ी पिंडां ने सोचिया। इसलिए मैं घुनसाला नूं बधाई दिंदा ते आप जी नूं इस कार्ज दे लई असी अज सन्मान करांगे स्टेज ते। सो की करना असी अपने खेतों के जोड़े बिजली ट्रांसफार्मर लगे आ सारा दे आस पास तो कणक चाहे सरों आ जा कोई होर फसल वढ़ के वह खाली कर दौ ताकि जी बिजली सर्कट कारण अग पैदा होनी आ वो उत्थे ही खत्म हो जाए। इस तो अलावा जिहड़ियां स्विचां लगिया हुई ने बिजली दियाँ उन्होंने सारिया जो लवे उन्होंने वह भी जोड़े खेती आढ़ ले जाए। फिर जिहड़े पानी दा प्रबंध करना आपां खेतां च उदों मुश्किल की आउंदी आ, अग इन्नी फैलदी क्यों, अग पैदा हुंदी रहूगी, अग हुण भी पैदा होगी क्योंकि खेती मशीनरी तो उहदे आपसी जिहड़ा अंदरों अंदरूनी टकरा हुंदा टकरा दे कारण अग पैदा हो जाती। पर अग ते असी मुढ़ली स्टेज दे उत्ते ही काबू पा सकते हैं जे साडे लवे पानी होवे। एक सौ लीटर साडे कोले पानी किसे वड्डे समुंदर दा सानू फायदा कर दिंदा। सो सारा नूं तुहानूं अपील है और अगे गल भी लेके जानी आ, असी इस संबंधी आ पैफलेट भी पाए ने परचे पाए ने ये तुहानूं सारिआं नूं देणे आ। तुसीं इह सारिआं ने अपने घर दे विच जिथे भी योग स्थान है उत्थे लाउणे ने। सो असी अपने जिन्ने भी खेती संद ने चाहे वह कंबाइन है चाहे रीपर है ते जां ट्रैक्टर ने उहनां दे उत्ते अग बुझाऊ सिलेंडर जिहड़े तुहानूं दस्से आ बड़े सस्ते आ, हज़ार बारह सौ की कोई गल नहीं, वो एक पासे सतरी दे नाल तुसी फिट करके रखो ला के रखो ताकि जो अग कितें खेत विच पैदा होगी तो असी पहली स्टेज के उत्ते ही अग के उत्ते काबू पा लांगे, कोई नौबत नहीं बनूगी। जे कोई भरा सिलेंडर नहीं भी ला सकता तो असी 200 लीटर 100 लीटर के जिहड़े रबड़ के ढो लाउंदे आ खुले मूँह वाले वो पानी भर के रखो ट्रैक्टर के उत्ते, हमेशा पानी रखो कि साडे संद तो जे अग पैदा होगी घबराउण की लोड़ नहीं, साढ़े कोले पानी पिया उहदी पा लांगे ते अग नूं बुझा लांगे, वड्डा नुकसान नहीं होवेगा। फिर जिहड़ी अग है वह चार किस्म की अग लगती है खेतों के विच। नंबर एक बिजली सर्कट कारण अग लग जाती है, उहदी रोकथाम असीं स्विचां दे लवों कटता ट्रांसफार्मर तो कटता वह हो गया। दूजा सिगरेट बीड़ी जां कोई चिलम पीण वाला काली दे विच उहनूं पता नहीं हुंदा उह सिट जांदा ते हौली हौली अग हवा लैके धो के वह वड्डी अग का रूप धारण कर जाती है। असी सावधानी वरतनी है कि खेतों के कोई भी वीर
सिगरेट बीड़ी ना पीवे, कोई चिलम वगैरह ना पीवे। सो अगे जिहड़ी साडी खेती मशीनरी है वह तो अग लग जाती है, उहदे लई जदों साडे कोले पाणी दा प्रबंध ट्रैक्टरां दे उपर कपाइनां ते रिपरां ते होऊगा तां असीं उहदे उत्ते तुरंत काबू पा लांगे, कोई नौबत नहीं आवेगी वड्डी। सो जिहड़ी अगली अग आ उह हुंदी है कि मान लो मैं अपनी कणक भी वढ ली, तूड़ी भी बना ली, खाली खेत आ, कोई पौध बीजनी आ जां कोई भी मैनू लोड़ आ, तां मैं उत्थे खेत वेला करन दे लई अग अपने आप किसान ला दिंदा। पर उह इह नहीं देखदा कि हजे साडियां फसलां खड़ियां ने, जे फसलां कट्टियां गईयां तां टांगर पिया, जे टांगर भी निबड़ गया तां खेतां च तूड़ी दे ढेर पए ने, तां उहनां नूं अग पा लग के आखर समय अपना नुकसान हुंदा है। सो असीं इह भी सुचेत होणा वी किसे भी किसान ने आपदे खेत दे विच अग अपने आप ना बालो। फिर जिस तरह हुण असीं खेत चुल्हे बनाए हुए आ, कई वारी असीं चुल्हिआं दे विच अग बाल लैंदे आ, वरतों कर लैंदे आ, उदों बाद उह जिहड़ा चुल्हे दे विच अग चलदी रहि जांदी आ तां उह हवा आउंदी आ ते साडे खेतां नूं अपनी लपेट दे विच लै लैंदी। इस तरह असीं सावधानियां थोड़ियां थोड़ियां वरतनियां ने। सो जिहड़ी लंबी डिटेल आ सावधानियां दी उह इहदे विच दित्ती गई। जिहड़ियां खेतां वाले साडे ट्यूबवैल ने, 20 दिन तुसीं समाज सेवा आपदे मन दे विच धार लो भी मैं समाज सेवा करनी है। सब तो वड्डी समाज सेवा है कि जिहड़ी मेरी खेत खेल बणी हुई आ नाल उहदे इक जिन्ना कु तुसीं टोटा जोड़ सकदे हो खाल दा पक्का कर लो, क्योंकि जे खाल तुसीं नाल भरदे रहोगे, जे उह कच्चा है उहदे साडे कोले पाणी नहीं जिद्दे दुर्घटना वापर रही आ, तां गिल्ली मिट्टी भी अग ते काबू पा दो। असीं गिल्ली मिट्टी भर के उहदे उत्ते मारांगे ते अग दे उत्ते काबू पाएंगे। सो असीं पाणी भर के रखना खेलां दे विच ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਫੈਲੂਗੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਆ। ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭਰ ਲਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਰਾਵੜ ਦੀਆਂ ਪੀਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੀਪੇ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਪੀਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੇ ਪਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਰ ਪਾ ਲਓ ਕੋਈ ਜਾਂ ਰੱਸੀ ਪਾ ਲਓ। ਆ 20 ਦਿਨ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਖੇਤ ਬਰਤਨ ਪਿਆ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬਰਤਨ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਦਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ 10 ਜਣੇ ਹੋਈਏ, ਜੇ 5-6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭੱਜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਧੂੰਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ 2-4 ਬਾਲਟੀਆਂ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ, ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਕਾਬੂ ਕਸਣਾ ਆਉਣੀ ਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪੇਹ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਢੋਲ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਢੋਲ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਹਾ ਉਹਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੂਗੀ, ਆਹ ਦੁਖਦਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਘੁਣਸਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਸਤਾਲ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।